हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांश शेट्टी क्लास। आज हम चैप्टर 7 के एंड होने के बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर लेकर आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो कि इस साल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो इन सबको हम देखते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड ऑब्जेक्टिव में आपको MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को लेकर रखे हैं। बिकॉज कि जो हमारा ओ लेवल ए लेवल का जो फॉर्मेट है वो इसी टाइप का आता है, सो हमने उसी टाइप का फॉर्मेट रखा हुआ है। आइए हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है TIFF स्टैंड फॉर। यहाँ पे TIFF जो है वो इमेज का एक फॉर्मेट है, जैसे JPG होता है, ठीक है, GIF इमेज होता है, तो ठीक वैसे ही एक TIFF इमेज भी होता है, एक फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट आपको बताना है, TIFF का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं, तो स्क्रीन पॉज करके आप सारे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं एंड रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर वैसे मैं बता देता हूँ इसका जो सही आंसर है वो होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके, तो ये यहाँ पे सही आंसर इसका होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो TIFF फुल फॉर्म ये होता है, आप इसे याद रखें। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब इस पे इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। अब इमेज के जितने भी फॉर्मेट है, जैसे BMP फॉर्मेट एंड JPG, JPEG एंड GIF, PNG, जितने भी एक्सटेंशन हैं उन सभी एक्सटेंशन के आप नाम को याद रखें, उन सभी के फुल फॉर्म को आप एक लिस्ट तैयार कर ले और उसको याद कर ले, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर सेपरेशन फॉर्मेट। इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो कि कलर को सपोर्ट नहीं करता है, स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि आप पूरी वीडियो अगर देखे होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप हमारे थ्योरी वाले वीडियो एंड प्रैक्टिकल वाले वीडियो आपने ज़रूर दोनों को देखा होगा, ठीक है। तो उसमें हमने बता रखा है कि यहाँ पे RGB, CMYK, HSB, तो ये सभी जो फॉर्मेट है ये कलर को सपोर्ट करने वाले, बट यहाँ पे GIF क्या है, तो GIF इमेज का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो GIF इमेज जो है इसमें एनिमेटेड वाला इमेज होते हैं, थोड़ा सा वीडियो पार्ट इसमें आ जाता है, ठीक है, तो ये एनिमेशन वाला होता है। तो यहाँ पे ये जो सही आंसर जो होगा वो होगा सी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है, तो ये बाकी तो कलर स्पेसिफिकेशन है बिकॉज के इसमें इमेजेस होते हैं, बट GIF में क्या होता है कि थोड़ा सा एनिमेटेड होता है, उसमें वीडियो वाली पार्ट आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ग्राफिक्स एडिटिंग हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। एक ग्राफिक्स वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, तो उसके यहाँ पे ऑप्शंस रखे हुए हैं, मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो है, टू इम्प्रूव द एट्रीब्यूट ऑफ एग्जिस्टिंग इमेज, दैट मीन्स कि इसके जो इमेज के जो क्वालिटी है, जो उसकी कलर है, टोन है, उन सब में हम बेहतर कर सकते हैं, उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट को, तो वो ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड जो ऑप्शन है वो कह रहा है, टू रिमूव अनवांटेड पोर्शन ऑफ द इमेज। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो इमेज में अनवांटेड पार्ट है, सपोज जैसे कि हमने कोई इमेज क्लिक किया, उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसे हम इमेज में नहीं रखना चाहते, तो उसे रिमूव कर सकते हैं। या फिर कोई फेस है, फेस पे कोई पिंपल्स वगैरह दिखाई दे रहा, तो उसको भी अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि टू ऐड अ स्पेसिफिक इफेक्ट, दैट मीन्स के फिल्टर क्या हम ऐड कर सकते हैं ग्राफिक्स एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर से, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिया है, लास्ट में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एवर। तो जितने भी इसमें ऑप्शन हम सभी को यूज कर सकते हैं एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द एवर। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है और इसके आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विच मेन्यू कंटेन द कमांड ऑफ द एडजस्ट ऑफ द कलर एंड द ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर। ठीक है, यानी कि जो हमारा फोटोशॉप एडिटिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें कलर एडजस्ट करने के लिए किस मेन्यू का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम इमेज मेन्यू में जाते हैं और इमेज मेन्यू के अंदर एडजस्ट नाम का एक ऑप्शन मिलता था, सब मेन्यू मिलता, तो फिर उसके अंदर फर्दर बहुत सारे ऑप्शन होते थे, जैसे मार्क्यू का लैब, मार्क्यू लेवल, ठीक है, ऑटो फिल, ऑटो लेवल, तो इस सब से रिलेटेड बहुत सारे उसमें ऑप्शन थे,
कलर बैलेंस था, ब्राइटनेस था, कंट्रास्ट था, तो ये सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल थे. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ़ यू वांट टू सेव द फाइल डिफरेंट फॉर्मेट यू हैव टू यूज़ द, दैट मीन्स कि अगर हमें फाइल को सेव करना है तो फाइल जब हम सेव कर रहे हैं तो कौन कौन से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं. सपोज़ कि एक बार हमने PSG फाइल सेव कर लिया, फिर हमें JPG करना है, PNG करना है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल में सेव करना है, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे. तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेव डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, थर्ड नंबर है बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स. ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा बी. ओके, सेव से क्या होगा कि एक ही फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा. ठीक है, और सेव एज से हम डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है विच फाइल फॉर्मेट कैन बी यूज व्हेन द पिक्चर इज फोटोग्राफ और हैज लॉट्स ऑफ कलर. ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि किस फॉर्मेट में हम बहुत सारे कलर को बहुत सारे कलर वाले फॉर्मेटिंग कर सकते हैं किस फॉर्मेट में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JPEG, TIF, BMP एंड यहाँ पे एक और एक्सटेंशन मिल रहा है .PIC. पिक तो कोई एक्सटेंशन है ही नहीं, TIF है, BMP है, JPEG है. तो जो सबसे ज़्यादा कलर फॉर्मेटिंग वाला फाइल है, फाइल फॉर्मेट है, वो है .jpeg. इसमें हम सबसे ज़्यादा कलरफुल वाला काम कर सकते हैं और इसकी ओरिजिनल कलर इफेक्ट आएगा. अगर हम BMP में सेव करते हैं तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाती है, वैसे ही TIF में भी कम हो जाती है. तो ये जो ऑप्शन है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही होगा. ठीक है, तो JPEG जो फाइल फॉर्मेट है ये बहुत ज़्यादा कलर को सपोर्ट करने वाला इमेज फॉर्मेट है. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द डैश ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या कि हमें इमेज को रोटेट करना, साइज करना, ठीक है, स्क्यू करना, तो ये सारे ऑप्शंस हैं. तो द डैश ट्रांसफॉर्मेशन कमांड रिजल्ट इन द सिलेक्शन बीइंग डिस्प्लेड अपसाइड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे करना है, आगे पीछे करना है, वर्टिकली चेंज करना, ओरिजेंटली चेंज करना, तो वो ऑप्शन हमारा प्रोवाइड करता है फ्लिप. फ्लिप में क्या होता है कि बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जैसे अपसाइड वाला डाउन में आ जाएगा, डाउन वाला अपसाइड में आ जाएगा, जस्ट लाइक मिरर. ठीक है, लेफ्ट वाला राइट में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द डिफॉल्ट लैजो टूल. ठीक है, यहाँ पे लैजो टूल के बारे में पूछा जा रहा है. द डिफॉल्ट लैजो टूल अलाउ यू टू क्रिएट अ सिलेक्शन बाई, अब यहाँ पे ऑप्शन को हम देख लेते हैं. ए नंबर ऑप्शन कह रहा है यूजिंग द माउस टू ड्रैग अराउंड एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि माउस का यूज करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको चारों तरफ से हम सिलेक्शन करेंगे. और नेक्स्ट ऑप्शन है चूजिंग अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द कीबोर्ड. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कीबोर्ड की सहायता से हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करेंगे, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया. लैजो टूल का वर्क क्या है कि माउस से हम चारों तरफ सिलेक्शन करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पे बी हो गया. और यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आप आ जाएं, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है यूजिंग द कीबोर्ड टू हाइलाइट्स एंड ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है, नन ऑफ द एबव. तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा यूजिंग द माउस टू ड्रैग एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी हम ऑब्जेक्ट को माउस से ड्रैग करके उसका सिलेक्शन कर सकते हैं. ये लैजो टूल का काम है, फ्री हैंड सिलेक्शन करने की ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1.9 में. तो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू चूज डैश यू मस्ट यूज द माउस टेक्निक्स, यानी कि माउस के मदद से अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, माउस ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री ट्रांसमिशन एंड प्रस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड नन ऑफ द एबव. तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि माउस ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही नहीं ऑप्शन, तो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है. और इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, वो भी आप याद रखिएगा, Ctrl+T होता है. ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+T. तो Ctrl+T करके हम माउस से फ्री हैंड माउस से हम उसको रोटेट कर सकते हैं, उसके साइज में चेंजेस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. फिर MCQ का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, डिफरेंट फंक्शन इन द लेयर्स सच एज एडिंग लेयर, डिलीटिंग एंड कॉपिंग लेयर,
डिलीटिंग लेयर्स एंड मर्ज लेयर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लेयर पे निम्नलिखित में से कौन कौन से फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसमें से सभी काम कर सकते हैं लेयर पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि हम नई लेयर भी ऐड कर सकते हैं, कोई लेयर है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर दो तीन लेयर को मर्ज भी कर सकते हैं, या फिर हम कॉपी भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, तो सारे काम हम इसमें से कर सकते हैं लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है 2 नंबर, अभी तो हमने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने 1 पार्ट को कंप्लीट किया, अब हमने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होता है, इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना होता है, ओके। तो हम यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2.1, यानी कि ट्रू फॉल्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द आई ड्रॉपर टूल सैम्पल कलर, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल एक होता है जो क्या करता है कि इमेज, जो भी हम इमेज इंसर्ट किए हैं उसमें से कलर पिक करने का काम करता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, द आई ड्रॉपर टूल सैम्पल कलर इन ग्राफिक और प्लेट, ठीक है। प्लेट मीन्स कि जो कलर का प्लेट होता है वहाँ से असाइन अ न्यू फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। हाँ, हम फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के लिए हम कलर को आई ड्रॉपर के टूल का यूज कर सकते हैं, फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ये होगा ट्रू, ओके। तो ये ट्रू होगा, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा ट्रू। वैसे मैं यहाँ पे अब ना राइट कर दिया करूँगा कि ये ट्रू है एंड ये फॉल्स है, ओके। मैं इस तरह से एग्जांपल दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रू हो चुका है, ये हमारा राइट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएटिंग अ सीन ऑन लेयर इनेबल अस टू एडिट वन एलिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग अनदर एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लेयर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट वर्क करते हैं, तो वहाँ पे लेयर का यूज करने से क्या होगा कि कोई दूसरा एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई दूसरा एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ भी ये ट्रू है कि लेयर की फंक्शनैलिटी पूछ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ लेयर, जैसे हम कोई लेयर क्रिएट करते हैं कोई एलिमेंट डिजाइन करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, तो कोई दूसरा एलिमेंट जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है। तो ये भी क्या है, तो हमारा राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट है ये कह रहा है इन फोटोशॉप बी इज द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ ब्लर। तो यहाँ पे ब्लर का शॉर्टकट की पूछ रहा है कि क्या हम बी अगर प्रेस करते हैं तो वो ब्लर का शॉर्टकट की है। रॉन्ग, यहाँ पे ये गलत है, बिकॉज कि बी फोर होता है ब्रश, ठीक है। बी अगर हम प्रेस करते हैं तो वो ब्रश टूल सेलेक्ट होता है, ब्रश टूल में हमारे पास एक ब्रश टूल होता है एंड एक पेंसिल टूल होता है, ठीक है। तो वो उसका ये शॉर्टकट किया है, यहाँ पे ब्लर का शॉर्टकट की बी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है क्लिकिंग एंड होल्डिंग द माउस बटन ऑन द टूल बार आइकन शो एडिशनल टूल रिलेटेड टू दैट टूल इन फोटो एडिटर, यानी कि जो फोटो एडिटर में जो टूल बॉक्स होता है उसमें हम किसी ऑप्शन पे राइट क्लिक करें या फिर उस पर होल्ड किए रहे, तो उसके जितने भी एडिशनल ऑप्शंस है क्या वो ऑन हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ भी इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट 2.5 है, JPEG एंड GIF इमेज आर द मोस्ट कॉमन बिट मैप फॉर्मेट यूज ऑन द वेब, यानी कि वेबसाइट पे हम वेब पेज पे जो फॉर्मेट यूज करते हैं इमेज का, क्या वो JPG एंड GIF ज़्यादातर यूज होने वाले फॉर्मेट हैं? तो हाँ, ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि GIF इमेज जो होता है ना वो ब्लिंक कराने के लिए, या फिर हम थोड़ा सा एनिमेटेड वाला लगाते हैं, जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे देखेंगे जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आता है तो वहाँ पे एक न्यू करके ब्लिंक करते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, या फिर ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट होते रहता है। तो थोड़ी सी हम GIF इमेज भी यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा एनिमेटेड वाला इमेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर यूज JPEG एंड GIF इमेज के फॉर्मेट को हम वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है PSD स्टैंड फॉर, PSD क्या है, तो फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम है, यानी कि फोटोशॉप में जो हम फाइल बनाकर सेव करते हैं उसको हम .psd फॉर्मेट में सेव करते हैं, और यही PSD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो हाँ ये सही है, ठीक है। यानी कि PSD का फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओके।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपीईजी स्टैंड फॉर ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, यहाँ पे ये भी सही है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, ये भी राइट आंसर है, ये स्टेटमेंट है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जब TIFF जो फर्स्ट क्वेश्चन मिला था तो मैंने उसी टाइम बताया था कि आप जितने भी इमेज के एक्सटेंशन है उन सभी का फुल फॉर्म आप याद रखें, सभी फॉर्मेट को आप याद रखें, कि मे भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो हमें दो तीन मिल गए, जैसे PSDB मिल गया, JPEG मिल गया, मे भी हो सकता है कि PNG का भी नेक्स्ट टाइम पूछ दे, तो इन सभी को आपको याद रखना है। ओके, हम तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस टाइप का आएगा, तो उस टाइप पे आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को इकट्ठा करके रखेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है 2.8, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन फोटोशॉप रिसाइजिंग मीन्स एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ पिक्सल। ऑब्वियसली जैसे कि हमारा जो इमेज होता है वो पिक्सल का ही होता है, अगर हम उसके साइज को छोटा कर रहे हैं या फिर हम उसको बड़ा साइज में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, तो उस इमेज के पिक्सल ही तो घट रही है और बढ़ रही है ना, और कुछ तो है नहीं, तो ये भी राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं 2.9, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, द ऑप्शन बार कंटेन बटन्स एंड बॉक्सेस दैट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क मोर क्विकली दैट यूजिंग द मेन्यू बार। ओके, तो जैसे हम कोई ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज बार जो होती है, वही यहाँ पे ऑप्शन बार बोल रहा है, तो वहाँ पे वो उसके सारे ऑप्शन आ जाते हैं और उससे हमारा काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज कि उसके लिए फिर मेन्यू में जाना होता है, मेन्यू के ऑप्शन सेलेक्ट करना होता, तो वो सारे ऑप्शन हमें प्रॉपर्टीज बार पे या ऑप्शन बार पे वहाँ पे हमें दिख जाता है, तो हम डायरेक्ट वहीं से उसका यूज कर सकते हैं, तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। ओके, तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 2.8.10, तो इसे हम देखते हैं, द ब्लेंड कलर इज द कलर बींग अप्लाइड विद द पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग और एडिटिंग टूल व्हेन यू यूज द ब्लेंड मोड विद द ग्रेडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि हम ब्लेंड कलर का कब यूज करते हैं, जब हम कोई पेंटिंग वाला काम करते हैं या फिर ग्रेडेंट के साथ हम यूज करते हैं। तो ग्रेडेंट एक टूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तो जब हमें दो कलर को मिक्स करके हमें कलरिंग करना होता है, पेंटिंग करना होता है, तो उस टाइम हम ग्रेडेंट टूल का यूज करते हैं, तो वहाँ पर ब्लेंड कलर का यूज किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी कि 20 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। एंड अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसे हम देखते हैं, तो थर्ड पार्ट जो थर्ड सेक्शन आता है इसमें आता है मैचिंग के लिए, ठीक है, ठीक ऐसा ही फॉर्मेट आपको ओ लेवल एंड ए लेवल के एग्जाम में भी मिलेगा। ओके, तो अब हम मैचिंग वाले को भी देख लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सारे, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 इसमें भी क्वेश्चन है और इसमें 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं, तो इसको मैं जूम ही रहने देता हूँ, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एम, जो 3.1 है एम, तो एम का हमें राइट आंसर क्या होगा, तो हम इसे देखते हैं, एम फोर, और यहाँ पे बैकग्राउंड फॉरग्राउंड, ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्की, एम जो शॉर्टकट की है वो है मार्की टूल का, ठीक है, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इसका जो एफ है, ओके एफ, तो हम यहाँ पे F, ये हमारा राइट आंसर हो गया F, M फॉर मार्क्यू टूल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट सीट दैट कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो पारदर्शी सीट जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो लेयर कहते हैं, ठीक है। लेयर हमारा यही कहता है कि लेयर जो है उस पे हम अलग अलग जितने भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे ये ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम समझते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ये कह रहा है गॉशियन ब्लर को क्या कहते हैं, तो गॉशियन ब्लर जो ऑप्शन है ये कहाँ मिलेगा, तो ये फिल्टरिंग का ऑप्शन है, देखते हैं कहीं आंसर है फिल्टर, तो हाँ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फिल्टर, तो ये हमारा थ्री नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके,
एंड नेक्स्ट थर्ड थ्री भी हो गया एंड फोर को समझते हैं. Adobe System Incorporated has a popular image editing software called, यानी कि जो इमेज Adobe सॉफ्टवेयर का जो कॉरपोरेटेड है यानी कि जो इसकी कंपनी है उसमें कौन सा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो हम इसमें देखते हैं कोई सॉफ्टवेयर का नाम, तो Adobe Photoshop ही होगा. तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट में मिल रहा है Adobe Photoshop CS3. ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया फोर का. ठीक है, ये फोर का आंसर हो गया Adobe Photoshop CS3. तो हमने जो समझा था, हमारा जो प्रैक्टिकल हुआ था वो हुआ था Adobe Photoshop 7.0 पे, बट और भी बहुत सारे वर्जन है, CS2 भी है, Adobe Photoshop CS6 भी है, तो बहुत सारे फॉर्मेटेड है, बहुत सारे इसके वर्जन भी हैं. तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पे CS3 दिया हुआ है. ओके, तो वैसे फोटोशॉप सभी पॉपुलर ही हैं, तो जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे उसको आपको सही कर लेना. ओके, तो हमने फोर सॉल्व कर लिया. फिफ्थ नंबर देखते हैं, द रेड आई टूल डज नॉट वर्क इन डार्क कलर मोड. किस कलर मोड में रेड आई टूल यूज़ नहीं होता, तो अब हमें कलर मोड को देखना है. तो हमारे सिस्टम में, हमारे ऑप्शन में यहाँ पे एक तो आ रहा है RGB, तो RGB में तो रेड ग्रीन ब्लू R तो है ही रेड, और देखते हैं कोई कलर मोड है. तो यहाँ पे हमें मिल रहा है CMYK, तो CMYK में रेड नहीं है. ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे रेड आई टूल हमें नहीं मिलेगा CMYK में. सियान, मैजेंटा, येल्लो एंड ब्लैक को यहाँ पे K लिखा हुआ है, K फॉर ब्लैक है. ठीक है, तो यहाँ पे सियान, मैजेंटा, येल्लो एंड ब्लैक, यहाँ पे ये कलर यूज किया जाता है. तो ये किसका आंसर हो जाएगा, तो 3.5 का, यह हमारा 5 नंबर हो गया. ठीक है, ये हमारा 5 हो चुका है. ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर. तो सिक्स्थ नंबर कह रहा है आइकन ऑन द टूल प्लेटर. ठीक है, टूल प्लेट्स जो हमारे पास जो टूल बॉक्स है उसके बारे में बात किया जा रहा है. विल शो द कलर दैट विल बी अप्लाइड विद एनी द पेंटिंग टूल. ठीक है, तो जो हमारे पास कलर टूल है उसमें से हम यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सा कलर यूज किया जाएगा, तो किसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है, पेंटिंग के लिए बात की जा रही है. तो पेंटिंग टूल में जो हमारे पास कलर टूल है, तो एक तो होता है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड. तो जैसे हम पेंटिंग टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में कौन सा कलर हमारा सिलेक्ट होगा, तो हमारा जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो हमारा फोरग्राउंड वाला ही राइट आंसर होगा. ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ का आंसर हो गया, क्योंकि जो फोरग्राउंड का कलर होगा वही कलर पेंसिल का भी कलर होगा और वही कलर पेंटिंग ब्रश का भी होगा. ओके, तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर राइट आंसर होगा. सिक्स हमारा कंप्लीट हो गया. एंड सेवन्थ देखते हैं, फिल्टर कैन बी यूज टू जनरेटेड अ रेंडम पैटर्न. यानी कि रैंडम पैटर्न हमें यूज करना है, तो देखते हैं ऑप्शन. तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा था, देखा था पैटर्न मेकर. ठीक है, तो पैटर्न मेकर के नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये हमें एक पैटर्न बनाकर देगा. तो ये क्वेश्चन में भी यही चीज़ कह रहा है कि जनरेट अ रैंडम पैटर्न. तो रैंडम पैटर्न करना है तो पैटर्न मेकर का यूज करेंगे, सिंपल. तो ये आंसर हो गया सेवन का. एट नंबर देखते हैं 3.8, द बेस्ट टूल टू सिलेक्ट अ मल्टी कलर्ड बुक. ठीक है, यानी कि बहुत सारे कलर हैं, उसमें से अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम किस टूल का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टूल का नाम दिया हुआ है. तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एक है, और भी हम देखते हैं मैजिक वॉन्ड है. तो मैजिक वॉन्ड में क्या होता है, तो सिमिलर कलर को सिलेक्ट करता है, इसे ध्यान रखिएगा. मैजिक कलर जो मैजिक वॉन्ड है, जो मैजिक टूल भी हम इसे बोलते हैं, तो ये सिमिलर कलर को सिलेक्ट करता है. तो एक तो हमारा ये हो गया फ्री फ्रॉम सिलेक्ट, और कोई है देखते हैं. एंड रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एंड बैकग्राउंड. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं. मल्टी बुक, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी कलर को हमें सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन. फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को हम यहाँ पे नहीं कहेंगे. ठीक है, क्योंकि फ्री फ्रॉम सिलेक्शन हमारे टूल्स में है नहीं, क्योंकि हमारे पास लैजो टूल है जो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का काम करता है, बट वो लैजो टूल है. तो बट हमारे पास जो टूल पूछ रहा है, तो टूल हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल है. ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एट. ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा एट हो जाएगा.
ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि फ्री फ्रॉम सिलेक्शन नहीं होता लैजर टू लैज, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मल्टी कलर्ड बुक चयन करने के लिए सबसे अच्छा टूल पूछ रहा है, तो टूल के बारे में, तो टूल का नाम क्या है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल है, ठीक है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.9, तो ये कह रहा है टू गेट अ कलर लुक एट एनी इमेज और पार्ट ऑफ एनी इमेज सेलेक्ट टूल, ठीक है, तो इसे हम समझते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा इमेज है उस इमेज को हमें किसी पार्ट को देखना है, तो जाहिर सी बात है कि किसी पार्ट को, किसी सेक्शन को देखना है, तो ये ऑप्शन है जूम, जूम्स के मदद से हम देखेंगे, इमेज को जूम करेंगे जभी तो देख पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 9 राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन सेलेक्टिंग एन इमेज और पार्ट ऑफ एन इमेज, किसी इमेज को सेलेक्ट करना है या उसके पार्ट को सेलेक्ट करना है, इन विच द कलर्स आर द सेम, ठीक है, यहाँ पे सेम कलर के बारे में बात की जा रही है कि सेम कलर को सेलेक्ट करना है किसी इमेज के किसी पार्ट को, सेम कलर है वहाँ पे, द बेस्ट टूल क्या है, तो बेस्ट टूल की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे समझा था मैजिक ऑन्ड टूल, तो ये क्या है, तो ये बेस्ट टूल है, ये तो हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा 10 का, ओके, तो ये हमारा मैजिक ऑन्ड टूल ये राइट आंसर हो गया, ओके, तो यहाँ पे हमने ये भी समझ लिया कि मैजिक ऑन टूल हो गया, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो W होता है, ओके, तो यहाँ हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया 10 क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फोर्थ नंबर पे आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को समझने वाले हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी ऑप्शन है वो दिखाई देंगे, एंड नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको इनमें से सभी क्वेश्चन को रीड करना है, एंड जो राइट आंसर होगा वो आपको फिल करने होंगे, ओके, तो हम देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप फाइल, फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, .psd, ठीक है, तो ये हमारा psd फाइल हो गया। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4.2 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है डैश इज द टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल पिक्सल इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम सपोर्टेड बाय द डिस्प्ले सिस्टम, यानी कि जो रो एंड कॉलम का जो पिक्सल सेट है जो कि डिस्प्ले कराना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम उसे रेजुलेशन कहते हैं, यानी कि जो हमारे इमेज का रेजुलेशन क्या है उसके बारे में बात की जाती है, तो रेजुलेशन जब भी हम सेट करते हैं हाइट एंड विड्थ दोनों दिया जाता है, इतना हाइट एंड इतना विड्थ, ठीक है, तो ये पिक्सल के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश होल्ड्स टूल और क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेज, ठीक है, इमेज बनाने के और एडिट करने के टूल्स रखता है, तो कौन टूल्स रखता है, तो टूल बॉक्स, तो फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा टूल बॉक्स, तो टूल बॉक्स इसका आंसर हो गया कि टूल बॉक्स तो है जो कि सारे टूल्स को अपने पास होल्ड करके रखता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डैश इज यूज्ड टू वर्क ऑन वेरियस लेयर, ठीक है, बहुत सारे लेयर पे वर्क कर क्या किया, तो यहाँ पे हिंदी में देखिए डैश का उपयोग विभिन्न लेयरों पे काम करने के लिए किया जाता है, तो हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं, हमें लेयर पे बहुत सारे काम करने हैं, तो बहुत सारे लेयर पे काम करने हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लेयर मेन्यू, क्योंकि लेयर मेन्यू के अंदर ही हमें वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू लेयर क्रिएट करना एंड डिलीट करना एंड कॉपी करना, डुप्लीकेट लेयर बनाना, तो ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे, तो लेयर मेन्यू के ऊपर मिलेंगे, ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है 4.4 जो है, इट इज डैश लेयर मेन्यू इज यूज टू वर्क ऑन वेरियस लेयर, सभी लेयर पे जो वर्क होने वाला ऑप्शन है वो लेयर मेन्यू के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट जो 4.5 इसे देखते हैं, डैश इज यूज टू सेलेक्ट अ बिट मैप्ड एरिया, ठीक है, बिट मैप एरिया सेलेक्ट करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो आइए हम देखते हैं ऊपर ऑप्शन में, तो हमारे पास एरिया सेलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन है टूल है वो है मार्क्यू टूल, यानी कि मार्क्यू टूल के मदद से हम एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड डैश इज अ सिलेक्शन विद इन अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट दैट यू कैन मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि बहुत सारे दस्तावेज को एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, एक ही
जो हमारा फोटो है उसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ किए हैं, तो हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसके लिए यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन देंगे, तो उसके लिए तो राइट आंसर जो होगा वो होगा लेयर, क्योंकि हमें एक ही डॉक्यूमेंट में, एक ही इमेज के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इमेज ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उन सभी को हम लेयर पे सेपरेट करते हुए यूज़ करेंगे। बिकॉज़ कि जो भी थर्ड ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि अलग दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अदर ऑब्जेक्ट, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, सो हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर लेंगे और एक ही इमेज के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बात करके अलग अलग ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ए एन लेयर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4.7 वो कह रहा है, ए एन डैश इज अ स्मॉल विजुअल डिस्प्ले ऑफ लेयर इन द लेयर प्लेट, यानी कि जो लेयर प्लेट है हमारे पास उस पर हमें छोटे आइकन जो दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ दिखा रहे हैं कि जब आप देखेंगे जब भी इमेज बना रहे होंगे तो उसका एक छोटा सा आइकन लेयर पे दिखाई देता है, जो भी लेयर होता है, तो उसको यहाँ पे हम थंबनेल बोलते हैं। ठीक है, थंबनेल का मतलब क्या होता है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उस मेन ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा व्यू दिखाना, विजुअल करना, ठीक है, डिस्प्ले कराना छोटे व्यू में, तो उसको हम थंबनेल बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4.8, इसे हम देखते हैं, डैश टूल सेलेक्ट अ कंटिन्यूइंग कलर्ड एरिया विदाउट हैविंग अ ट्रैक इट्स आउटलाइन। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि हमें कंटिन्यू कलर है, बहुत सारे लगातार सेम कलर है, ठीक है, उसको हमें चयन करना है, तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन कंटिन्यू कलर है, ठीक है, सेम कलर ही पूरी भरी पड़ी है। तो हम यूज करेंगे बिकॉज कि वहाँ पे कंटिन्यू कलर बोला था, कंटिन्यू कलर का मतलब है कि सेम कलर पूरा फैला हुआ है, तो वो कंटिन्यू है, बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई भी कलर के बीच में कोई थर्ड कलर आके उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो सेम कलर कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू कलर को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम मैजिक ऑन टूल का यूज करते हैं, और इसका जो बाउंड्रीज है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, जितनी कलर है वो पूरी कलर को एक टाइम में सेलेक्ट कर लेगा। ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश ट्रांसफॉर्मेशन कमांड रिजल्ट इन द सिलेक्शन बीइंग डिस्प्लेड इन द डिफरेंट साइज। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कमांड के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि साइज चेंज किया है तो वो कैसे हमें अलग दिखाई देगा, तो उसका जो स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो भी हमने स्केल सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें स्केल यहाँ पे जी नंबर पे मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्केल। ठीक है, तो जो उसका स्केल होगा, जैसे हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन टूल के बहुत सारे देखे, स्क्यू भी है, प्रोस्पेक्टिव भी है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ से अब जो भी स्केल यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हमें दिखाई देगा। अगर हम लेफ्ट साइड से बढ़ा रहे हैं तो लेफ्ट साइड उसका डिफरेंस बढ़ जाएगा, राइट अगर हम अप साइड बढ़ा रहे हैं तो अप साइड डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश कमांड क्रिएट्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑन विच यू कैन मेक चेंज। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई हमारे पास लेयर है तो हम उसका एक एग्जैक्ट कॉपी यानी कि डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, कॉपी का मतलब क्या, डुप्लीकेट बनाना, और डुप्लीकेट बना के हम कोई चेंजेज कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है डुप्लीकेट बनेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो डुप्लीकेट से रिलेटेड यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर है, तो अगर कोई हमारे पास ऑलरेडी पहले से लेयर है उस पर हम एक और उसका डुप्लीकेट बना के कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम डुप्लीकेट लेयर का यूज करेंगे, इस कमांड का यूज करेंगे, और उसका डुप्लीकेट बन जाएगा, एक ओरिजिनल हमारा एज इट इज रहेगा, एंड सेकेंड जो होगा वो उस पर हम कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें 10 क्वेश्चन जो थे, 10 क्वेश्चन को भी हमने विजिट कर लिया। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा पार्ट टू आ जाता है, पार्ट टू जो है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से 4 ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी थ्री सिलेक्शन टूल इन फोटो एडिटर विथ देयर सिग्निफिकेंस एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बता रहा है कि हमें तीन सिलेक्शन टूल के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके सिग्निफिकेंट के सभी कुछ इसके बारे में, उसके महत्व के बारे में हमें बताना है कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की क्या है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको बहुत सारे सिलेक्शन टूल में से तीन ही सिलेक्शन टूल के बारे में एक्सप्लेन करना है। आप किसी भी सिलेक्शन टूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हमने वीडियो पार्ट में, जो भी हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों वीडियो पार्ट में हमने सिलेक्शन टूल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अगर एक भी देखे होंगे तो इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने थ्योरी पार्ट में भी इसको कवर किया है एंड प्रैक्टिकल पार्ट में भी कवर किया हुआ है। तो अगर आप हमारे वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे पहले विजिट कर लें, बिकॉज कि उसमें हर टूल, हर एक ऑप्शन को हमने बारीकी से समझाया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप अगर उसको देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन को आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ लेयर, लेयर क्या है और इस पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन आपको वो दोनों वीडियो देखने के बाद आप इजी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको आप इजी तरीके से सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो ये आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको वो दोनों वीडियोस मिला के आपको उसमें सारे आंसर मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट फाइव का सी नंबर क्वेश्चन है कि लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट टूल इन फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर। फोटो एडिटर का जो टूल बॉक्स है उसमें से आपको थ्री टूल्स के बारे में बताने होंगे, कोई सा भी टूल्स आप दे सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ फोटो एडिटर, फोटो एडिटर क्या है एंड इसकी क्या फीचर्स है। तो इसके बारे में आप इनको लिखना होगा, शॉर्ट नोट्स है ये, और ये हमने थ्योरी पार्ट वाले वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है विथ डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन भी बताया हुआ है, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, आप उसको एक बार ज़रूर विजिट कर लें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाउ कैन रिसाइज, ठीक है, किसी इमेज या फोटो को हम रिसाइज कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, तो आप प्रैक्टिकल वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल का यूज़ करते हैं और उसमें बहुत सारे टूल्स है, तो हमने हर एक ऑप्शन को उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स का सी नंबर, हाउ टू क्रॉप इमेज इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। क्रॉपिंग करना है, क्रॉपिंग के बारे में पूछ रहा है कि फोटो एडिटिंग करते वक्त आप क्रॉप कैसे करेंगे, इसका क्या शॉर्टकट की है, ये सभी कुछ आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, तो उसे आप विजिट कर लें। एंड नेक्स्ट देखते हैं 7.7 के ए एंड बी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेयर कैसे व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, हाउ टू ऑर्गेनाइज लेयर इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो जितने भी उसके ऑप्शंस है, जितने भी इसके ऑपरेशन है, आपको डिलीटिंग, इंसर्शन, ठीक है, यानी कि हमें न्यू लेयर ऐड करना, डिलीट करना, कॉपी करना, डुप्लीकेट करना एंड ड्रैगिंग करना, ये सभी कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करने होंगे, तभी आपको नंबर मिल सकेगा, ठीक है, बेहतर नंबर। अगर आपने एक दो को एक्सप्लेन करके छोड़ दिया तो नंबर उतने बेहतर नहीं मिलेंगे, तो लेयर की पूरी डिटेल यहाँ पर बतानी पड़ेगी, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डू यू सेलेक्ट एन एग्जैक्ट कलर टू मच, ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे कलर हैं, उसमें से एग्जैक्ट कलर को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने अगर वीडियो देखा होगा, तो सिलेक्शन टूल के अंदर कलर सिलेक्शन एक ऑप्शन था, कलर सिलेक्शन, ठीक है, तो आपने जिस कलर को सिलेक्ट करेंगे वो कलर जहाँ जहाँ होगा वो सभी सिलेक्ट एक टाइम पे हो जाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो पार्ट में आपको एक बार देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखे तो, अगर आप उसे विजिट किए हुए हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले हमें एक फोटो एडिट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में स्टेप उसके लिखने होंगे। एंड हम बता देते हैं, आपको हिंट्स दे देते हैं कि ये जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में जो हम काम करते हैं, तो PNG फाइल होता है, ठीक है, PNG में हम इसे सेव करेंगे, अगर PNG में सेव नहीं करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपको सेव करते वक्त आपको ये बात लास्ट में ज़रूर लिखना है कि हमें PNG फॉर्मेट में सेव करना होगा, ओके, तो आप उस फॉर्मेट में सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ब्रश टूल के बारे में पूछ रहा है, ब्रश टूल क्या है, इसकी क्या यूज़ है,
तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट इम्प्रूव कलर एंड टोन, यानी कि कलर एडजस्टमेंट के बारे में आपको कुछ ब्रीफली चर्चा करना है, इस पर कुछ बताना है, कुछ शॉर्ट नोट्स, हम इसे कह सकते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है, कि हम कैसे कलर इम्प्रूव कर सकते हैं, कलर टोन मैनेज कैसे कर सकते हैं, यानी कि कलर एडजस्टमेंट वाले सारे टूल्स के बारे में आपको बताना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कर्व टूल, लेबल, कलर बैलेंस, ह्यूज, तो ये सारे टूल्स जो हमने पढ़े थे, ऑप्शन पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एंड लास्ट जो है 9th नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर आपने फर्स्ट वाले 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, आपको 4 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट हम इसे भी समझ लेते हैं, आप ये 5 क्वेश्चन में से किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो हाउ टू चेंज द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऑफ द पिक्चर इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप किसी इमेज का ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कैसे बदलेंगे, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एंड 9th के बी नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाई आर वी यूजिंग फिल्टर इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम फिल्टर का क्यों यूज करें, ठीक है। एंड हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स यूजिंग फिल्टर गैलरी, एंड फिल्टर गैलरी से हम फिल्टर का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी आपके पूरे सिलेबस से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक पॉइंट टॉपिक से इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, इसलिए इसमें बुक में जितने भी हमने कवर किए हुए हैं वीडियो लेक्चर में पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और उन्हीं सबसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ रहा है। एंड इन सभी क्वेश्चन को आप घर पर प्रैक्टिस करें और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेगी, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो बेहतर आप कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड आप मेहनत खूब करें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एंड प्रैक्टिस कीजिए एंड एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।